क्या आप भी भारत गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं और आपको नहीं आता है कि किस तरीके से भारत न्यू गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप भारत न्यू गैस कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीका का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप भारत न्यू गैस कनेक्शन के लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दुकान वाले के पास जाइएगा, अगर आप साइबर कैफे में जाइएगा तो वहाँ पे आपको 100 से लेके 150 रुपीस चार्ज कर देगा और वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि भैया अभी आपको गैस की ज़रूरत है, आपको गैस अप्लाई करना है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना किसी को पैसा दिए आप किस तरीके से आप घर बैठे आप भारत न्यू गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो है गैस एजेंसी में भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहां जाके चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भैया हमको अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप एक बार अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद ही आपको भारत गैस कनेक्शन के लिए आप भारत एजेंसी में जाना है। इसके बाद जैसे ही वहाँ जाइएगा, आपका कनेक्शन हुआ रहेगा, वहाँ पे आपको पासबुक दे देगा और इसके बाद से ही आप गैस का लेन देन कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप भारत न्यू गैस कनेक्शन के लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे कि किस तरीके से भारत न्यू गैस कनेक्शन के लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको भारत गैस पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस पोर्टल पे आना पड़ेगा, तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ से जाकर डायरेक्ट आप इस पोर्टल पे आ सकते हो। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ डालना, तो यहाँ से आप स्टेट चूज कर लीजिए और यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट चूज करके इसके बाद शो लिस्ट पर आपको ओके कर देना है। तो आपके आसपास का जितना डिस्ट्रीब्यूटर का होगा वो यह उसका लिस्ट यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा, जिसे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर नेम, लोकेशन, कॉन्टैक्ट और एड्रेस। तो अगर आपके घर के अगल बगल में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, इसके बाद सिंपली आप कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सिंपली देख रहा हूँ कि मेरे पास ये नज़दीक का, तो सिंपली आपको यहाँ पर टिक करना है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन कर यहाँ कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो इसे कुछ ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ देख रहे हैं कि पर्सनल डिटेल आपको देना पड़ेगा, जैसे यहाँ श्रीमती आपको जो भी रखना तो यहाँ से आप रख सकते हैं। इसको यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम देना है, यहाँ मिडिल नेम देना है और यहाँ पर लास्ट नेम। इसको यहाँ देख रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ के लिए उसमें कैलेंडर में से आप चूज कर लीजिए। इसको यहाँ फादर नेम, योर स्पेस, पत्नी का नाम या मदर का नाम यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। चलिए यहाँ इसका फिलअप कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए तो यहाँ देख रहे हैं कि एड्रेस ऑफ LPG कनेक्शन, अगर आप जिस पे एड्रेस पे आप कनेक्शन लेना चाहते हो तो उसका एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा और यही एड्रेस पे आपका कनेक्शन के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो आप एड्रेस को सोच समझ से भरिएगा कि क्या आपको कौन सा एड्रेस पे आपको जो कनेक्शन है वो लेना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर कैटेगरी पर सेलेक्ट कर लेना है, जो अभी आपका ID प्रूफ है यहाँ से आपको देना है। और सिंपली अगर यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, इसमें देख रहे हैं कि आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, लीज एग्रीमेंट, वोटर ID, टेलीफोन नंबर, पासपोर्ट, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं जो भी आपके पास है, या यहाँ से जाकर आप चूज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर आधार कार्ड चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्लैट और हाउस नंबर यहाँ पर डालना है, यहाँ पे इसके बाद प्लॉट नंबर, यहाँ पर प्लॉट नंबर डालना है, यहाँ पर डिटेल डालना है जो भी दे रहे हैं आधार कार्ड, वहाँ पर इसका नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ हाउसिंग एंड बिल्डिंग कम्प्लेक्स नंबर आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ सिंपली देख रहे हैं कि जैसे आधार कार्ड डालिएगा तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक ये फिलअप कर लेगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्क्वायर, लैंडमार्क है ना, जो भी है तो ये ऑटोमेटिक इसको फिलअप कर लेगा। इसको यहाँ सिंपली आप देख रहे हैं कि आपका एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्टडी कोड विथ परफेक्शन 0 आपको बोल रहा है कि मतलब जो ही स्टडी कोड डाल रहे उसके शुरू में आपको 0 लगाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको ऑटोमेटिक ये ले लेगा, अगर नहीं ले रहा तो यहाँ पर आप इसको
भर भी सकते हैं। इसके बाद सिंपली यानी स्क्रॉल कर डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ देख रहे हैं कि अदर रिलेटिव डिटेल्स, तो यहाँ से आपको एक प्रूफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा जो भी आपका प्रूफ है। तो यहाँ से आप इसका लिस्ट भी चूज कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी इशू और ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसी तरह से आप जो भी है उसको यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से भी एक आधार कार्ड फिलअप कर देता हूँ, इसका यहाँ पर आपको नंबर टाइपिंग कर देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ देखें कि स्टेट ऑफ जो भी स्टेट से राशन कार्ड का अप्लाई किया है तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कि डिटेल रिलेटिव कैश ट्रांसफ़र, अगर आप आधार का गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। चलिए हमको नहीं लेना चाहते हैं तो हम यस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से देख रहे हैं कि आपको बैंक नेम डालना पड़ेगा, जो भी बैंक में आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर आपको चूज करके डाल लीजिएगा सिंपली। इसको यहाँ माइक्रो कोड तो आपको बहुत आसान से मिल जाएगा, उसी पे जो आपको पासबुक है उसी पे फ्रंट पे ही माइक्रो कोड या IFSC कोड लिखा रहता है, तो उसको साइड में देखिएगा अकाउंट के जो नेम रहता है ना उसके बगल में लिखा रहता है, तो वहाँ से उसको चूज कर लीजिए। यहाँ पर आने पर यहाँ देखिए सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट कौन सा आपका है, तो जो भी है उसको यहाँ से चूज कर लेना है। इसको यहाँ बैंक अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, इसको दोबारा से इसको यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ देखिएगा अकाउंट जो भी आपका नाम है उसको वो नाम को यहाँ से आपको चूज कर लेना है, ठीक है। इसके लिए सिंपली आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, नीचे देखते हैं डॉक्यूमेंट सबमिशन, आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पे ऑनलाइन अपलोडिंग ऑनलाइन, अगर आपको जो भी डॉक्यूमेंट इसमें भरे हैं उसको ऑनलाइन अपलोड करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन है कि सबमिटेड टू डिस्ट्रीब्यूटर, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर जैसे हम आधार कार्ड दिए हैं, आप पैन कार्ड या पासपोर्ट दीजिएगा, तो उसको आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेकर जाना पड़ेगा और वही आपको वहाँ पर वेरीफाई करके आपका जो है अकाउंट जो है वो आपको ओपन कर देगा गैस सिलेंडर के लिए। तो सिंपली हमको ऑनलाइन करना था, सिंपली यहाँ से आपको ऑनलाइन पर क्लिक करना और इसका आपको प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा पूरा। इसके बाद यहाँ पर चेक मार्क पर आपको क्लिक करके यहाँ पर देख रहे हैं कैप्चा पर यहाँ पर डाल के आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसको देखते हैं यहाँ पर आपका जो है OTP SMS पर आपको मोबाइल पर गया होगा या और यहाँ पर ईमेल आईडी पर आपका OTP चला गया हो, तो यहाँ से आप अपना डाल सकते हैं सिंपली OTP। तो चलिए मैं यहाँ से OTP डाल देता हूँ। इसको देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं OTP डाल दिया, इसको यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको एक रिक्वायरमेंट आपको आईडी दे दिया गया है, आपको देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पर आपका है। इसके बाद डेट भी आपको यहाँ पे दे दिया गया कि ये डेट है आपका। इसके बाद यहाँ पर आप चेक पे हेयर पे जाकर यहाँ से इसको आप चेक कर सकते हैं। तो इसको आप सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको आप कॉपी करके रख लीजिए, तो सिंपली इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देख रहे हैं कि अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्लिक है ओके कीजिए आप इसको। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आपको क्या यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपलोड फाइल है, यहाँ पे डाउनलोड व्यूज है, यहाँ पे रिमूव फाइल, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर कोई अपलोड गलत हो गया है तो। यहाँ से देख रहे हैं कैंसिल चेक, अब बैंक पासबुक का अपलोड करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे फोटो आपको एक अपलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको आधार कार्ड का अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके बाद सिंपली अपलोड कर लीजिए इसको। चलिए मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ, ये है अपलोड आपके KYC फाइल के लिए, चलिए इसको अपलोड कर लेते हैं। तो इससे अपलोड करने से पहले आपको एक बार बता दूं, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ जो है इस डॉक्यूमेंट आपको प्रत्येक डॉक्यूमेंट का मिनिमम जो साइज होगा ना वो 30 KB से कम नहीं होना चाहिए और ये आपका मैक्सिमम 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको कौन सा फाइल में यहाँ पर अपलोड करना है इमेज, यहाँ PDF, JPG, JPEG और PNG, TIF फाइल में आपको यहाँ पे और या PDF फाइल में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। चलिए फटाफट ये इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो अपलोड करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि डाउनलोड भी आप इसको देख भी सकते हैं और यहाँ से आप इसको जो रिमूव भी यहाँ से डिलीट करके भी हटा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया हूँ, बस अब हमको बचा है यहाँ पे आधार, तो इसको भी हम यहाँ से अपलोड चूज करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। चलिए मैं यहाँ से भी आधार को अपलोड कर देता हूँ। तो सिंपली आप देखिए यहाँ पर लिखा आ गया कि यू हैव अपलोड रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, प्लीज़ चेक द सबमिशन एंड डॉक्यूमेंट योर वेरीफिकेशन। आप बोल रहा है कि जो भी आप अपलोड किए हैं वो बिल्कुल तरीके से सही है या नहीं, अगर सही है तो ठीक है यहाँ से फिनिश कीजिए, अगर नहीं है तो इसको एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पर भी जाके, इसके बाद ये आपको यहाँ पर फिनिश करना है। चलिए हमको सब कुछ सही, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसलिए फिनिश पे ओके कर देना है। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं फिनिश ओके किया हूँ तो मेरा यहाँ देखिए बोल रहा है कि थैंक यू फॉर सबमिटेड डॉक्यूमेंट योर रिक्वेस्ट आईडी, आपको मेरा इतना रिक्वेस्ट आईडी है। इसके बाद बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट यू हैव अपलोडिंग हो चुका है और यह अंडर वेरीफिकेशन में है, तो अपन वेरीफिकेशन अच्छा कन्फर्म और ईमेल आईडी पे ये आपको कन्फर्म कर देगा कि आपका ये जो भी स्टेटस है वो कैसा है। तो आप ऐसे ही आपका ईमेल आईडी पे
ऑप्शन या वेरीफिकेशन आ जाएगा। हाँ सर, ये जो चेक स्टेटस जो यहाँ पे उसको आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो प्रोग्रेशन कहाँ तक गया है नहीं गया है। जैसे ही आपका जो प्रोग्रेशन होगा तो उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ेगा और जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी डॉक्यूमेंट साथ के लिए लेके जाएगा, तो वहाँ से आपको गैस कनेक्शन आपको सिंपली मिल जाएगा। इसको अगर आपको स्टेटस चेक करना है कि मेरा प्रोग्रेस कहाँ तक गया, तो सिंपली आपको ये पोर्टल पर आना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं कि स्क्रॉल करके नीचे अगर यहाँ देखिए चेक स्टेटस का ऑप्शन दे रखा, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको कुछ इस तरह से पोर्टल हो जाएगा। तो जो भी आपका रिक्वेस्ट आई डी, जैसे यहाँ पर आपका जो रिक्वेस्ट आई डी है तो आपको सिंपली इसमें डालना पड़ेगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इसमें सब चूज कर लीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ डालते हैं वो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। यहाँ पर मेरा मदर नेम डाले, जो भी मदर नेम डाले थे इसको यहाँ जनरेट ओ टी पी पर क्लिक कीजिएगा। जो भी ओ टी पी आएगा आपको यहाँ पर सिंपली ओ टी पी डाल के यहाँ पर चेक स्टेटस पर ओके कर देना है, तो आपका ये स्टेटस शो कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ओ टी पी डाल के चेक स्टेटस ओके किया हूँ, तो यहाँ पर देखिए लिखा के आ गया है कि न्यू कनेक्शन रिक्वेस्ट नंबर आपका इतना है इज अंडर प्रोसेस में है। तो मैं अभी मैं कनेक्शन किया हूँ, इसको मैं यहाँ पर चेक किया हूँ, तो यहाँ पर मैं बता प्रोसेस में है। जैसे मेरा ये ओके हो जाएगा तो यहाँ नीचे आपको यहाँ पे शो कर लेगा, और यहाँ पे शो पेमेंट हिस्ट्री भी जाके इसको आप शो करके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस क्या। जैसे यहाँ पे पेमेंट डेट आपको दिखाएगा, अमाउंट दिखाएगा, पार्ट टाइम मोड दिखाएगा, पार्ट टाइम स्टेटस आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपका क्या सब है। तो यहाँ से आप सिंपली इसको चेक कर सकते हैं। सो गाइस, अब तो आप सीख ही लिए होंगे कि किस तरीके से भारत न्यू गैस कनेक्शन के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।